मुझे तो जीतो, मैं आपकी होस्ट अलीना हारून। जी जनाब, तो आज हम हैं अमाना मॉल में, करने वाले हैं आपके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारी मस्ती आपको देंगे, लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत सारे इनाम। तो देर नहीं करते और आज का प्रोग्राम फुल मस्ती वाला स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सारा अरूस। क्या करती हो? मैं बायोटेक की स्टूडेंट हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। गुड। मॉल में क्या किया जा रहा है? किस चीज़ में मॉल क्या करने आई थी? शॉपिंग? मॉल नहीं, मूवी देखने आए थे, उसके बाद खाने पीने का प्रोग्राम था, तो इसलिए। देखी मूवी? हाँ जी देखी। ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके श्योर। एक आदमी ने, शिकारी ने हिरन को गोली मारी, जो पहले उसके कान पे लगी फिर उसकी टांग पे लगी, कैसे? एक ही गोली थी। जो एक शिकारी ने हिरन को गोली मारी जो पहले उसके कान पे लगी और फिर उसकी टांग पे लगी। इट्स नॉट ईजी बाय द वे, बट मे बी पहले उसके कान पे लगी और पीछे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद था जिससे वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर उसकी टांग पे आके लगी। इट कुड बी नो आइडिया। शेयर करो। ए गालिब का शेर। पास करो। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। और ये बेसिकली मैं इनको डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत प्यारी हैं, तो ये शेर मैं इनको डेडिकेट कर रही हूँ। आई वुड रिपीट, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। थैंक यू सो मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी बहुत प्यारी लड़की थी, बड़ा मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिलाल। आपका नाम? अब्दुल मकीद। क्या करते हो? FSC इंजीनियरिंग करूँ। नाइस जैकेट। थैंक यू। कहाँ से लिया? बेस से। नाइस। ओके जी, आपने भी अच्छी ड्रेसिंग की। कहाँ से आ रहे हैं दोनों? मैं फैसलाबाद। नहीं, आज अभी कहीं गए हुए थे? कहीं जी हम लोग गए थे, मॉल पे आ रहे हैं। खाली मॉल गए हुए थे तो तैयार होंगे दोनों? नहीं, फैमिली डे था, हम ऐसे ही वापस आ गए। फैमिली डे तो पूछी, कोई डिनर शिनर? नहीं, हम वैसे ही, ये नहीं, वैसे ही घूमने के लिए। डिनर करना है? करना है। चलो जी, सवाल करती हूँ, ठीक है? गौर से सुनना, एक ही दफ़ा बोलूँगी, बड़ा लंबा सवाल है, गौर से सुनना। दो आदमी, दो लड़के, आप ही दोनों कोयले की कान में गए। कोयले की? हाँ। एक का मुंह पे पूरा कलक लग गई, एक के मुंह पे नहीं लगी। जिसके मुंह पे नहीं लगी थी वो जाके मुंह धोना शुरू हो गया, और जिसके मुंह पे लगी थी उसने नहीं धोया, क्यों? क्योंकि वो पहले ऑलरेडी काला था, जिसने मुंह धोना शुरू किया वो ऑलरेडी काला था, वो फील ही नहीं हुआ उसके मुंह पे कालक लगी है कि नहीं लगी। चलो आसान कर लेते, दोनों गोरे थे। दोनों ही गोरे? कालक एक के मुंह पे लगी थी, और जिसके मुंह पे लगी थी उसने मुंह नहीं धोया, जिसके मुंह पे नहीं लगी थी उसने जाके धो लिया, क्यों? उसे अपनी ब्यूटी का बोध था। दोनों भाई हो? नहीं, कजन। किस रिलेशन से? मामू का बेटा। काफी शक्लें मिलती हैं दोनों? जी। क्लोजनेस भी है? जी। दोनों में क्लोजनेस है? जी बहुत है। हाँ जी। उम्र में कितना फर्क है? मेरी है 21। मेरी 18। चलो सोचो जवाब, बताओ ना क्या जवाब होगा। जिसके मुंह पे लगी है उसने नहीं धोया, और जिसके मुंह पे नहीं लगी उसने धोया, उसको फील नहीं हुआ होगा कि मेरे मुंह पे कालक लगी है। क्यों नहीं फील हुआ? उसको अपनी केयर नहीं होगी। केयर से आगे निकला हो दोनों, खुद मुझे लगता है दोनों बड़ी केयर करते हो, इसलिए केयर केयर बोली जा रहे हो। चलो क्या सुनाओगे? मैं सॉन्ग सुनाऊंगा। और आप? मैं भी सॉन्ग सुनाऊंगा। अपने बात भी पोएट्री भी एक सुना सकते बनी। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ, हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। आ, 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 आ,
अपनी पोइट्री सुनाऊंगा। दिल नूं हुंदियां ने दिल नाल रावां, दिल नूं हुंदियां ने दिल नाल रावां, मोटर चलाओ मैं ते नावां। अब सॉन्ग हर पल मेरिया यादा यादा विच है तू, दिल दी गल मैं दसा ते दसा फिर किन्नू, तेरी मेरी मेरी तेरी इक जिंदरी वर्गो तू, झूमू मैं नाचू मैं गाऊं के लिखूं तेरे ही दर क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हमको प्यार तुमसे कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट। लाहौर न्यूज़ लौड़ियां दी जाओगे। थैंक यू। थैंक यू। जी दोनों भाई थे कजन्स, यानी कि सवाल का जवाब तो नहीं आया उनको, लेकिन दोनों ने जो है वो अच्छा गाना सुनाया, अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी दोनों ने और कोशिश भी उनकी अच्छी थी। तो खैर मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आया, एक्टिव थे दोनों का माइंड थोड़ा चल रहा था। तो जब कोशिश करते हैं आप लोग को मैं हमेशा कहती हूँ जवाब देने की, तो ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है मेरा, तो जवाब देने की कोशिश ज़रूर किया करें। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शास्ता। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके, क्या आज मॉल में क्या करने आई हैं, शॉपिंग? हाँ जी बिल्कुल, हम शॉपिंग भी करनी थी, कुछ हमने गेम्स वगैरह भी देखे बच्चों के साथ ही, मैं अपने तो वो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं तो मैं अपना इंजॉय कर रही थी। चले मुझे बताएं, जब शेर धारता है तो उसकी आवाज़ कितने किलोमीटर दूर तक जाती है? आई थिंक 150 तक जाती है। नहीं इतनी ज़्यादा नहीं जाए, 40-45-20-10 आठ किलोमीटर। क्या शेयर करेंगे? एक मिली नगमा है, जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। लाहौर न्यूज़ लौड़ियां दी जाओगे। थैंक यू, वेलकम। जी बड़ी प्यारी सी जो है वो आंटी थी और उन्होंने जो है वो जीवे पाकिस्तान सुनाया। तो मैं आपको बताऊं, जब शेर जो है वो धाड़ता है ऊ करता है तो उसकी आवाज़ 8 किलोमीटर दूर तक जाती है। नाइस ना, बिकॉज वो इतना पावरफुल होता है कि उसका साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इशरत। आपका नाम? सामिन। सामिन कौन सी क्लास में हो? 3। हाथ में क्या पकड़ा हो? ये मैं झूलों में गई थी, उधर से जीत के लाए हैं। सामने इसका क्या नाम है? इसका कुछ नहीं। चलो इसका नाम रखते हैं, क्या रखें इसका नाम? इसका नाम पप्पी। तो नहीं है ये, इसकी शक्ल दिखाओ। गुगू। गुगू ठीक है। क्या नाम है? गुगू। बुगू। बुगू ठीक है, बुगू। ओके सवाल करते हैं, मुझे बताएं 1 किलो दूध, 1 किलो खून और 1 किलो बर्फ में से किसका वजन ज्यादा होगा? 1 लीटर है, 1 किलो बर्फ, 1 किलो खून, 1 किलो दूध। खून। खून खून ज्यादा होता है ना हमारे अंदर, इसलिए खून का वजन ज्यादा होगा। तालियां बजाएंगे, सही जवाब दिए। आप क्या सुनाएंगी? मैं रेसिपी। आप नाच सुनाएंगी? दोस्तों से पढ़ना ज़्यादा छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कलबी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जो मिला ले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की
आंखों का वो तारा है, जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पर रखा पत्थर, फिर भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकअल्लाह। चिकन के वो रोस्ट की मैं रेसिपी बनाती हूँ आपको। चिकन चिकन ले, उसको उसमें मोटा मसाला डाले, हरा मसाला डालकर उसको अच्छी तरह गला ले, फिर उसको अंडे में फ्राई करें, बहुत मज़ेदार बनेगा। थैंक यू। जबरदस्त जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए के बहुत शुक्रिया। जी क्या कहने जी, बहुत प्यारी जो है बच्ची ने नाच सुनाई, बहुत जो है वो हमें यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आया करें, घूमा फिरा करें, खाया पिया करें, खुश रहा करें, अच्छा लगता है। मॉल में इतना रश है आज, इतने लोग जो हैं वो मॉल में आए हुए हैं, हम लोगों से बातें करते हैं और उनको लाहौर न्यूज़ की तरफ से इनाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? यशफा। आपका नाम? तानीर। फरजाम। कौनसी क्लास? प्रेप टू। आप क्या कर रही? मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाती हैं? हाँ जी, अलाइट स्कूल में। क्या पढ़ाती हैं? मैं क्लास टू को ही पढ़ाती हूँ। ओके, बच्चे तंग करते हैं? बहुत ज़्यादा। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे भाई के बेटे हैं। भाई के बेटे हैं, फूफो हैं आप? हाँ जी बिल। मारती तो नहीं है? हाँ, जब तंग करते तो जाहिर है वो जाता है। बच्चों को मारती हैं? नहीं इतना नहीं, जब बहुत ज्यादा तंग करे ना तब मारना पड़ जाता है। क्या मारती हैं? थप्पड़? हाँ बस हल्का सा, बस स्लैप कर दिया। चलें सवाल करते हैं। ठीक जी, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको फेंक देते हैं और जब जरूरत नहीं होती तो उठा लेते हैं? जब ज़रूरत होती है तो हम उसे यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, देते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो उठा लेते हैं। आई डोंट नो, पता सोचें। ज़रूरत होती है फेंक देते हैं। हाँ क्या होता है? नहीं जहन में नहीं आ रहा। कोशिश करें। शेयर करेंगे मैं सॉन्ग। और आपने क्या सुना था? नेशनल सॉन्ग। और आपने? फाइन। बारी बारी तीनों, आप इनसे पहले सुने बच्चों। चलो भाई सुनाओ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। चुक 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 आई हरे नाम है जिसका, टैबर में धुआं उड़ाए शोर में जाए, तके नहीं और चलती जाए, नए नए स्टेशन आए, इसके मुहाफिज और बिछाए, काला गोरा जो भी आए, सबका मंजिल तक पहुँचाए, भाग भाग कर पूरी आए, सबका मंजिल तक पहुँचाए। वेरी नाइस। आप क्या सुनाएंगे सॉन्ग? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू। जी इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा गाना सुनाया और बड़ा मज़ा आया, हमने इनसे बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिसेस निसार। आपका नाम? जन्नत निसार। आपका नाम? अहमद खान। कौन सी क्लास में हो? वन। आप क्या करते? हाउस वाइफ। चलें जी, मॉल में कैसे आना हुआ? बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए। चलें, लिपस्टिक तो बड़ी अच्छी लगाई है आप। थैंक यू। चलें सवाल करूँ आप? जी। मुझे बताएं कि आप अपनी सालगिरह हर साल मनाते हैं, ठीक है? कौन है जो अपनी सालगिरह 4 साल बाद मनाते हैं? जिनके फैमिली में होती है 29 लीप ईयर की। क्लैपिंग करें। क्या सुनाएंगे? मैं मैसेज दूंगी, खुश रहें और दूसरों को खुश रखें।
और ये नाच सुना रही है, नाच सुनाएगी। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुड़ नूर फजावा, पुड़ नूर फजावा, आखा दा मुहल्ला जिवें अरशी मुहल्ला, कदी आन फरिश्ते कदी जान फरिश्ते, साढ़े अदलो जुड़ गए आखा नाल रिश्ते, ओ कड़मा वाला वेरा सदका नाल चुमदा जावा, इक ख्वाब सुनावा, इक ख्वाब सुनावा, रब लै गया मैनू कदो शहर मदीने, इक हाजी आया मैनू कुट के सीने, कदी पीवा दम दम कदी परान माजा, कदी पूछ ते तो तक मैं लिहाजा, रब सोने नल पलका कितिया सब दुआवा। जज़ाकअल्लाह जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए बहुत शुक्रिया। जी बहुत ही जिसे कहते हैं ना बच्ची ने प्यारी नाच सुनाई, और आई थिंक ये पंजाबी में थी, और इट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट कि वो पंजाबी में जो है प्रनाउंस करना, वो भी उन लोगों के लिए जो उर्दू स्पीकिंग होते हैं या उर्दू बोलते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मगर जब आपका जज्बा हो तो आपसे जो है उस तरह के प्यारे काम हो ही जाते हैं। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो मज़ीद और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम कुलसुम तुफैल। मुदस्सिर। बेटा नाम? ज़ैनब पाक। कौन सी क्लास में? वन। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, मैं मिनाजुल कुरान में जॉब करता हूँ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। वेरी नाइस। और आप क्या करते हैं? आई एम अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। वेरी नाइस। ओके, ये आपकी बेटी है? बेटी है। ओके ठीक है। कितना टाइम हो गया शादी? शादी को 7 साल हो गए हैं। इनकी एक बहुत अच्छी आदत और एक अजीब आदत बताएं। इनकी जो सबसे अच्छी आदत है, बहुत पॉजिटिविटी है इनमें। अगर हम दोनों के बीच में कोई सी भी ऐसी बात हो जाती है, इसको बहुत अच्छा कवर करते हैं। और सबसे अच्छी जो इनकी आदत मुझे ये लगी अब तक, ये है कि सबके सामने मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। और जो थोड़ी सी अजीबोगरीब सी बात है, इरिटेट ज़रा जल्दी हो जाते हैं। किस बात से इरिटेट होते हैं? बस मजाक में जब होते हैं तो उस पर इरिटेट हो जाते हैं। इनकी बताएं एक अच्छी और एक अजीब। पॉजिटिविटी बहुत है और अल्हम्दुलिल्लाह, और कोऑपरेटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंटेलिजेंट हैं काफ़ी, और केयरिंग है। अजीब आदत ये है कि ये इनको काम कुछ इमरजेंसी हो तो हाथ पांव पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? हाथ पांव, मतलब वो इमरजेंसी होती है तो बस मुझे होता है मैं जल्दी से काम को जो है ना वो मैं वाइंड अप कर दूँ। ओके चले जी, सवाल करते हैं। एक आदमी ने ट्रेन की चेन खींची, उसको जुर्माना नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी इसलिए। सोच लें। राइट आंसर। क्लैपिंग करें इनके लिए, क्लैपिंग करें। क्या सुनाएंगे आप? मैं मेरी नगमा सुना देता हूँ। जी जी। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, हो तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुवत तेरी, बड़े ऐ मेरी ये दुआ, हो मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे यूं सलाम। वेरी नाइस। ऐसा बिंग
प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट इस चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें। दोस्ती इन द सेंस कि जब भी आप फील करें कि आपका बच्चा खामोश है, तन्हाई में बैठा हुआ है, देन ट्राई टू फोकस ऑन दिस कि इसके बैकएंड पे प्रॉब्लम क्या है। अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें, शेयरिंग करें और कोशिश करें कि जो भी आपका अगर घर का कोई डिसीजन है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फर्नीचर नया लेना है, आपने कोई सेटिंग करनी है, तो उस मशवरे में अपने बच्चों को जरूर शामिल करें। आप भी देखेंगे बच्चे ना सिर्फ आपके क्लोज आएंगे बच्चे, बल्कि बच्चे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। ये जो हम आज बात करते हैं ना कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स का शिकार है, वो सिर्फ इस वजह से है कि हम छोटे होते से ही बच्चों में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं पैदा करते, हम बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम बच्चों को उनके साथ काउंसलिंग करें, कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों को बिठाएं, उनसे शेयर करें। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज दिया, मैंने नोटिस किया है। जैसे इन्होंने फर्नीचर वाली बात की, बच्चे कोई मशवरा देंगे तो नहीं 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 ऐसे नहीं करना, बहुत गलत। आपको क्या पता, आपको क्या पता, ये आपकी फील्ड नहीं है, आप बस जाके पढ़ें। नो, दिस इज नॉट, हो सकता है कि आपका बच्चा आपको कुछ ज्यादा ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन बता दे, और अगर आप उसकी मान लेंगे तो कितनी खुशी होगी। नो डाउट फैसला आपने ही करना है, लेकिन उसमें आप देखिएगा यही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इन्होंने मुझे शामिल किया है, दे आर डिस्कसिंग विद मी। नो डाउट। और आपने क्या सुनाना है? Good morning, point. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. How do you do? Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. How do you do? Good morning, bright sunshine. Thank you all. We are here. न्यूज की तरह से आपके लिए गए। थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम जी। बच्ची ने जो है वो पोइम सुनाई, और मैं इस पे जरूर कहूंगी उनकी मम्मा की बात को, मैं सेकंड करूंगी। व्हेन आई वाज चाइल्ड, मेरी माँ, मैं वाकई कहती हूँ दुनिया की बेहतरीन माँ है, स्टिल अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, क्योंकि बचपन से ही व्हेन आई वाज अ चाइल्ड इतनी डिस्कशन मुझसे, मेरे बहन भाइयों से अम्मा करती थी, अच्छा मुझे बताओ अगर मैं ये जो है फर्नीचर ऐसा बनवा लूँ, कलर कॉम्बिनेशन में ऐसा कर लूँ, अच्छा खाने में बताओ मैं क्या बनवाऊँ, मतलब इतनी हमारी कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड किया, इतना ज़्यादा। अच्छा अम्मा मैंने मॉडर्न कपड़े पहने, अच्छा बेटा ज़रूर पहनो मगर एक तरीका लेके कैसे चलना है चीज़ों को, अम्मा मैंने मेकअप करना है, हर चीज़ अलाओ की मगर एक लिमिट में, और इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में आई एम वेरी सक्सेसफुल, और मैं मतलब इतनी सी उम्र में मैं अपने से 10 गुना तो नहीं मैं कहूँगी, 50 से 60 साल की उम्र के लोगों को भी लेक्चर देती हूँ, जाकर उनको पढ़ा देती हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाकर लेक्चर देती हूँ इस बिहाफ पे कि मेरी पर्सनैलिटी मेरी माँ ने बनाई, मेरे बाप ने बनाई, मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आज यहाँ पे हूँ। इसी तरह मैं आपको कहूँगी अपने बच्चों को भी इसी तरह प्यार करें, उनको सारी ज़िंदगी आप स्नब करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, और सडन किसी को देख के आप एकदम इजाज़त दे देते हैं, ये यकदम वाला मामला सही नहीं है। तो शुरू दिन से लेके बच्चों को अच्छे तरीके से चले, ये वाकई बहुत डिपेंड करता है। अम्मे को वालेकुम। आपका नाम? मिसेज जुल्फ़ा। मोहम्मद दाऊद। मरियम। मिनसा। कौन सी क्लास? 5, 6। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। चलो, ये बच्चे हैं आपके जी? ये तीनों बहन भाई हैं? बच्चे हैं मेरे तीनों। ओके माशाल्लाह। चलिए जी, सवाल करते हैं, मुझे बताएं किसकी सालगिरह 4 साल बाद आती है? क्या चीज़ है, परिंदों में है, इंसान की? हमारी तो हर साल आती है ना, किसकी 4 साल बाद आती है? इंसानों में से है ये चीज़ जिसकी 4 साल, ये तो हो ही नहीं सकता कि 4 साल बाद आए आती है। सोचें यानी अभी एक आईन थी का तो उन्होंने सही जवाब भी दे दिया था। सॉरी, ये नहीं हो सकता, इंसान हो उसकी 4 साल के बाद हो सकता है, और जवाब भी दे के गई हैं अभी 4 साल बाद आती। चलो जी, क्या सुनाएंगे आप? मैं रेसिपी सुनाऊँ। और आप? सॉन्ग। पॉइंट। और ये अरे बारी बारी सुना नहीं। अपने पास जी
एक कप बेसन लेंगे और एक कप सूजी लेंगे और एक कप मैदा लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे और उसकी ब्रेड एक रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने के बाद उसको बारीक रोटी बना के उसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे और फ्राई करेंगे और उसके बाद वो गोलगप्पे बन जाएंगे। थैंक यू। ठार बिच तेरे आए फैर जट्टियाँ करे कैर जट्टियाँ मारे फैर जट्टियाँ नी तेरी बिल्ली अखनी भैनों चाही लपाई अत फुट दी साडा दिल नट दी ना कितने जावे टुट दी डोले खांदा लक नी दस जे बुलो ते पप्पी लड़िया तुलों दे फिरे मसके कर दी फॉलो गड्डियाँ ने सारियाँ नी तू पिछे लानियाँ मिना जे हंस दे चिजड़े बैठे अंडे होए जट दे सारे पूरा पट दे तुम्हारा बच के। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Lahore News की तरफ से आपकी देखें। Lahore News, लाहौरियाँ दी जाने। जी बहुत प्यारी फैमिली थी और बड़ा मज़ा आया। हमने इनसे बातें की, सबने जो है वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सा शेयर किया और मज़ीद बहुत रश है आज यहाँ पर। इतना तेज साउंड है कि मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। खैर किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद जाउल्ला। आपका नाम? बेटा नाम बताओ। हुरैन फातिमा। क्या करते हैं आप? मैं कंसल्टेंट हूँ, फार्मर्स की ट्रेनिंग हम करवाते हैं। बेबी आपका, ये आपकी बच्ची? जी मेरी बेटी। बहुत शरारती है जी। से देख रही कुछ ना कुछ कर रही है माशाल्लाह। क्या उम्र है इसकी? जी ये 3.5 ईयर्स। ओके जी। स्कूल जाती है? नॉट येट, अभी। ठीक है चले जी। मैं सवाल करती हूँ, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको फेंक देते हैं और जब नहीं ज़रूरत होती तो उसको ले आते अपने पास उठा के? वो हमारे करीबी दोस्त होते हैं, प्यार जो हमसे करते हैं उन लोगों को, जब वो हमारी केयर कर रहे होते हैं तो हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर चले जाते हैं तो फिर हमें उनकी याद। चले मैं आपकी मदद करती हूँ। विजिबल चीज़ है, हम उसको प्रॉपर उठा के फेंकते हैं। उठा के फेंकते हैं ऐसी चीज़ जो हमें पास हो तो जब चाहिए होती, जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो हम उसको फेंक देते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती तो उसको उठा के ले आते हैं। हमारा घर? घर को उठा के फेंक सकते हैं हम? नहीं। तो बताएं, रिपीट कीजिएगा। वो क्या चीज़ है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको उठाकर फेंक देते हैं? समटाइम्स गुस्सा भी हम फेंक देते हैं। क्या सुनाएंगे? ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामी ये दो जहां हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम। थैंक यू। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए। लाहौर न्यूज, लाहौरियाँ दी जाने। यू वेलकम। जी इन्होंने जो है वो ताजदारे हरम जो है सुनाया, ये मुझे बहुत पसंद है, कलाम बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैंने ये सुनाया, खासतौर से इसका ये एक लाइन है, मुसीबत के मारे हम किधर जाएंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं जब भी सुनती हूँ आई फील कम्फर्टेबल। किस यार से बात करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रुकैया कुलसूम। आपका नाम? शहजील। कौन सी क्लास में आप? 2। आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ, मैं लेक्चर हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। आपकी? ये मेरी भांजी है। भांजी है, चले। आप सिंगल हैं? जी मैं सिंगल। ओके, क्या सोचती हैं लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। ओके, कितना एजुकेटेड होना? अप टू मास्टर्स। और मिनिमम? मिनिमम ग्रेजुएशन। चलिए जी, सवाल करें। मुझे बताएं आप कि एक हाथी तालाब में गिर गया है, अब वो बाहर कैसे आएगा? हाथी तालाब में गिर गया है कैसे आएगा?
उसमें पानी होगा कि नहीं होगा? पानी है। हाथी तालाब में से कैसे आ सकता है? तालाब में गिर गया, अब आपने बताया ना बाहर कैसे आएगा? वो स्टेयर्स नहीं लगी होंगी? हाथी थोड़ी ना स्टेयर्स चढ़ेगा। अच्छा, कोई उसका लगा होगा कुछ, पानी खत्म कर देंगे फिर आ जाएगा। हाथी तालाब में गिरेगा कैसे? गिर गया, मैंने गिरा दिया। अच्छा, उसको उसके साथ उठाएंगे कंटेनर के साथ। क्या सुनाएंगे? मैं सॉन्ग सुना। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। वेरी नाइस। और आपने क्या सुनाना है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब दबाओ हवर सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए। जी, बड़ी क्यूट सी बच्ची थी, इंजॉय किया हमने उसके साथ। अगर आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश है जो मेरे पीछे पीछे जो है वो चल के आ रहा है, क्योंकि एवरीवन जस्ट वांट टू टेक पार्टिसिपेशन। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जितने लोग हैं उनसे भी बातें करें, क्योंकि अब हर एक से बात करना तो इतना ईजी नहीं है ना, एक टाइम लिमिट है यार, उसके बाद मुझको जाना होता है, मुझको भी घर जाना होता है। जी, तो टाइम हो गया है एक ब्रेक का, लेट्स हैव अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं तो मजीद और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन रजा। अब्दुल्ला नईम। क्या करते हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या पूछा आपने? क्या करते हो? स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हो? प्री इंजीनियरिंग। मैं सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। दोनों का रिश्ता? कजन है मेरा, मामू का बेटा। ओके, चलो जी सवाल करते हैं। 1000 रुपये में से हम 100 रुपये को कितनी दफ़ा माइनस कर सकते हैं? 10 दफ़ा। एक दफ़ा। क्यों? क्योंकि उसमें 3 ज़ीरो होते हैं। नो। 1000 रुपये में से 100 रुपये को 10 दफ़ा ही कर सकते हैं। 1000 रुपये में से 1000 में से, गौर करो, 1000 में से 100 रुपये को कितनी दफ़ा माइनस कर सकते हैं? 1000 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ को कितनी दफ़ा माइनस कर सकते हैं? एक दफ़ा ही कर सकते हैं। क्यों? आपका लॉजिक खराब है ना। क्या सुनाओगे? गाना सुना दें। और आप? पोइट्री। उनको देखा तो जाना हम ये कैसी होती हैं शराब आंखें, उनको देखा तो जाने हम ये कैसी होती हैं शराब आंखें, घर का रास्ता भी भूल गए हम मिलाते ना ऐ काश आंखें। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे पिया रे। लाहौर न्यूज की तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट, शुक्रिया। जी, आज तो बड़ा ही कहते हैं ना सही मज़े का जो है वो रश हुआ हुआ है, और अभी जो मज़ीद बहुत प्यारी प्यारी जो हैं वो ख़वातीन खड़ी हुई हैं जो वेट कर रही हैं कि हम इनसे बातें करें, तो इनसे भी बातें करते हैं। और आज मैंने सोचा हुआ है भाई आज ज़्यादा फ़न करने, क्योंकि आज के सवाल जो हैं वो बड़े मज़े के हैं, बहुत मज़े मज़े के सवाल हैं, बहुत फ़न होने वाला है, तो और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना ज़ुल्फ़िकार। आपका नाम? मुनाइमा। कौन सी क्लास में?
टू। आप क्या करते? मैं जॉब करता हूँ। अरे कपड़े तो बड़े अच्छे पहने, कहाँ से लिए? बाजार से। अच्छा जी, चलो जी मुझे बताओ कि एक आदमी ने एक हिरन को गोली मारी, गोली पहले उसके कान पे लगी फिर उसकी टांग पे लगी, क्यों? पहले कान वो खुजली कर रहा था कान। क्लैपिंग करें भाई। नहीं और क्या, मैं लोगों को बुलाऊं इनके लिए क्लैपिंग कर दें। चले बजाएं, अब आगे लिए क्लैपिंग करो अपने। क्लैपिंग करें जी। आप भी करें। क्या सुनाएंगे? मैं एक ब्यूटी टिप शेयर करना चाह रहा हूँ लाइफ में खुश रहने का तरीका। अच्छा बता दें। एक दफ़ा एक छोटा सा वाक्य है, अगर हम जितने भी लोग हैं उस वाक्य पे अमल कर ले तो हम खुश रह सकते हैं। एक छोटा सा किसान था, वो काम करता था खेतों में, वो बड़ी मेहनत करता था। तो बादशाह की बीवी को उसका काम बड़ा पसंद आया, तो उसने कहा कि ये इतनी मेहनत करता है, हम लोग इतना करते हैं, ये बड़ा सुकून की नींद सो जाता है, तो जाके इसको पता तो करें ये क्या है ऐसा उसके पास है। तो वो उन्होंने वज़ीर को भेजा, तो वज़ीर ने ये कहा कि वो जो किसान है वो 99 के चक्कर में नहीं है, वो 99 के चक्कर से बाहर है। तो उन्होंने पूछा कि 99 का चक्कर क्या है? उन्होंने कहा कि उस जो है किसान उसको बुलाएं, मैं उसको जो है ना 100 अशरफिया इनाम देना चाहती हूँ। मैं उसकी बादशाह की बेगम ने कहा कि आप जाएं उसको बुला के लाएं। वो उसको बुला के लाई, तो उसने जब वो अशरफियाँ दी तो उसमें 100 के बजाय 99 डाल के दे दी। जब वो घर गया तो उसको पूछा कि अब मेरा इनाम बादशाह साहब ने भेजा है? उन्होंने कहा आपका इनाम आ गया है। उन्होंने कहा कि सारे बच्चों को बिठाया, खुद बैठ गए, जब काउंट करना शुरू की तो वो 99 थी। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि बादशाह ने तो 100 भेजी हैं, ये 99 कैसे हो गई? उसको पहला शक बीवी पे गया, फिर बच्चों पे गया, फिर सब पे शक करते उसको रात को नींद आई। तो सुबह वो वज़ीर ने कहा कि उसको 2-3 दिन वो खेतों में ही नहीं आया। तो बादशाह ने कहा कि पता करें वो क्यों नहीं आया। जब उन्होंने पता किया तो उसकी बीवी ने कहा कि मैंने तो इनाम भेजा था, तो आप क्यों कहते? मैं इस वजह से परेशान हूँ कि 99 जो हैं वो निकल रही हैं, 100 पूरी नहीं हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के बंदे वो जो 99 है उसका मज़ा तो लो, एक की बजाय 99 का मज़ा क्यों ख़राब कर रहे हो? वही हालात हमारे हैं, अल्लाह ताला जिस हाल में रख रहे हम खुश नहीं रह रहे, वो 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं कि जी वो एक जो है ना वो मिल जाए जो हमारे पास है, उसका हम शुक्र अदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारोबार, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट जी। इन्होंने जो 99 वाली मैसेज दिया वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं भी इस बात से अग्री करती हूँ, लोगों के पास जो नहीं है वो उसके लिए रोते रहते हैं और जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ट्रस्ट मी, मैं आपको बताऊं, आप कुछ भी ना करें, बस रात को जब आप बेड पे लेटे ना तो 101 मरतबा दिल पे हाथ रख के अल्लाह तेरा शुक्र है हर उस नेमत के लिए जो तूने मुझे अता की, आपकी ज़िंदगी में इतनी बेहतरी आएगी, इतनी बेहतरी आएगी, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं खुश होता हूँ जब तुम शुक्र अदा करते हो तो मैं और देता हूँ। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। I strongly feel कि आपको शुक्र और मुझे, हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब। अस्सलामु अलैकुम। आपका नाम? शाजिया। माहीन। फातिमा। अलीसा। तूबा। चारों बहनें हो जी, आपने सेम क्यों नहीं पहना? वैसे आपके पास है ऐसा? नहीं। ओ क्यों, इसके पास क्यों नहीं? नहीं मैं कभी सेम होते हैं, कभी भी इसमें कुछ अलग बना दिया जाता है कि चलो। मगर तीनों ने पहना ना, उसने नहीं पहना? इसका इस तरह का नहीं बनाया, क्योंकि सारे कह रहे थे कि ये थोड़ी बड़ी है तो चलो इसको थोड़ा डिफरेंट का। आप बनाना चाहते थे या नहीं? नहीं। ओके फिर ठीक है, चलो जी सवाल कर दें। ठीक है, वो कौन सा मुल्क है जो अपनी आज़ादी की सालगिरह साल में 2 दफ़ा मनाता है? पाकिस्तान की तो 1 दफ़ा आती है ना 14 अगस्त को, उस मुल्क की 2 दफ़ा आती है, वो कौन सा मुल्क है? छोटे बच्चों आपको कहाँ आएगा, मैं आपको सवाल बदल देती हूँ, मुझे बताओ एक हाथी तालाब में गिर गया है वो बाहर कैसे आएगा?
खुद ही आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, आएगा ना खुद ही, हाथी है। कोशिश करनी पड़ेगी। आपको पता है हाथी दुनिया का वाहिद मैमल है जो जम नहीं कर सकता, उसकी कोई मदद करेगा। चलो जी, क्या शेयर करेंगे? रेसिपी शेयर कर देती हूँ बच्चों के लिए, उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हाइट को लंबा करने के लिए मैं खजूर का मिल्क शेक बनाती हूँ। खजूरें डालती हूँ मिल्क शेक में, खजूरों का रात को दूध में भिगो दिया जाए और रात भर वो दूध में पड़ी रहें, साथ में कुछ बादाम डाल दिए जाएँ और सुबह उनको उठ के शेक कर दिया जाए, तो बच्चों की हड्डियों को बड़ा मजबूत करती हैं और उनकी आंखों के लिए भी, आंखों की बिनाई के लिए भी ठीक है। और ये गर्मियों में भी? गर्मियों में ही ये ज़्यादा सही रहता है। गर्म नहीं होता? नहीं, मैं अपने बच्चों को यही देती हूँ। तसीर गर्म नहीं होती? नहीं। वेरी नाइस। क्या सुनाओगे? मिली सॉन्ग। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है इससे मेरी पहचान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बेबी बेबी यस मामा, ईटिंग शुगर नो मामा, टेलिंग अलर्स नो मामा, ओपन योर माउथ हा हा हा। टेडी बियर टर्न अराउंड, टेडी बियर टच द ग्राउंड, टेडी बियर पॉलिश योर शूज, टेडी बियर ऑफ टू। वेरी नाइस। चलिए जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू जी, बहुत मज़ा आया, हमने उनसे बात की, माशाल्लाह सब ने कुछ ना कुछ शेयर किया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। आपके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो हमने इंजॉय किया, बहुत बहुत मज़ा आया। ओके, 1000 रुपये में से 100 रुपये को कितनी दफ़ा माइनस कर सकते हैं? तो आप सिर्फ एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो 900 रह जाएंगे, यानी कि 1000 रुपये में से हम 100 रुपये को एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो 900 रह जाएंगे। दो दफ़ा रिपीट किया ताकि आपको समझ आ जाए। और वो कौन सा मुल्क है जो अपनी आज़ादी की सालगिरह साल में दो दफ़ा मनाता है? तो वो है पनामा। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आज का टैलेंट ऑफ द डे स्पेसिफिक करना तो मुश्किल था मेरे लिए, ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ ही कोई टैलेंट आए, तो मेरे नज़दीक कोई स्पेसिफिक नहीं था जिसको मैं कहूँ कि यार वो बहुत अमेजिंग था मेरे नज़दीक। अगर आपको लगता है तो आप हमारे सोशल मीडिया पे उसको बता सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना मेरा हम सब का फेवरेट प्रोग्राम थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखें। मुझे अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।